भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्वोत्तर राज्य समन्वयक संबित पात्रले केन्द्रको भाजपा सरकारले भर्खरै प्रस्तुत गरेको आम बजेटले देशको भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेका छन्। राजधानी गान्तोकको एउटा होटलमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशको आर्थिक प्रकोष्ठद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो वक्तव्य दिएका हुन्। शनिबार सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय बजेटमाथि चर्चा गर्न आयोजना गरिएको थियो। यस अवसरमा सिक्किम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक डीआर थापा र सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटीका उपकुलपति प्रोफेसर सहदेव सिंह यादवको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसका साथै सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा लगायतका विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट र सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमका प्रतिनिधिहरू अनि नागरिक समाजका विभिन्न तबकाका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधन राख्दै सांसद सम्बित पात्रले केही दिन अघि देशकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सांसदमा प्रस्तुत गरेको भाजपा सरकारको केन्द्रीय बजेट 2024 र 2025 का विभिन्न सबल पक्षमाथि प्रकाश पारेका थिए। उनले यस बजेटलाई भविष्यमुखी बजेट बनाएका छन्। यसपल्टको केन्द्रीय बजेटमा विशेष गरेर युवाहरूलाई रोजगारका धेरै विकल्प उपलब्ध गराइएको उनले बताएका छन्। यो बजेट युवाहरूको बजेट हो। उनले भने सिक्किम राज्यको सन्दर्भमा बोल्दै पूर्व युपिए सरकारको तुलनामा वर्तमान भाजपा नेतृत्वाधीन एनडिए सरकारले सिक्किम राज्यलाई अधिक धनराशि उपलब्ध गराएर राज्यको विकासमा सहयोग गरेको पात्रले बताएका छन्। यसअघि प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापाले कार्यक्रममा स्वागत सम्बोधन राख्दै भाजपाको कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा अन्तक्रिया सत्र पनि सामेल गरिएको थियो, जसमा सांसद पात्रले विभिन्न पक्षको जवाब दिएका थिए। पहली बार नौकरी करेगा उसके पहले तनखा में से 15,000 रुपए भारत सरकार इस बजट से देगी। 15,000 रुपए। आप यदि 1,00,000 से कम तनखा में रहते हैं, सपोजिटली योर सैलरी इज 60,000 or 70,000 rupees, तो पहला 15,000 रुपए जो आपके तनखा का होगा वह भारत सरकार 3 किस्तों में 5,000, 5,000 और 5,000 तीन किस्तों में भारत सरकार देगी। लगभग 210 लाख बच्चे युवक इससे लाभान्वित होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा स्कीम जो रखा गया है वह है एम्प्लॉई और एम्प्लॉय दोनों के लिए। बोथ द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर वुड बी गिवन incentive under the EPFO scheme for a period of 4 years. 4 वर्षों तक EPFO scheme में जो contribution करना पड़ता है, employer को भी करना पड़ता है, employee को भी करना पड़ता है, उसमें भारत सरकार अपनी सब्सिडी देगी। भारत सरकार contribute करेगी इस budget से, ताकि employer के ऊपर और employee के ऊपर load कम रहे, जिससे कि दोनों खुश रहें, एम्प्लॉयर भी हायरिंग करने में कुंठा ना दिखाए और एम्प्लॉई भी नौकरी करने में किसी प्रकार का कुंठा ना दिखाए।